कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर वाकई में एक सही परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन का संपूर्ण ब्योरा जानना चाहते हैं, आपके जीवन में आखिरकार कष्ट आ क्यों रहे हैं, कारण जानना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम हमेशा ही आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। क्योंकि एकमात्र बदल दे किस्मत ऐसा कार्यक्रम है जहां पे आप लोगों को अपनी समस्या बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप लोग अपनी डिटेल्स बताते हैं और गुरुजी खुद आप लोगों को बता देते हैं कि आपके जीवन में कष्ट आ क्यों रहे हैं, कारण क्या है। दर्शकों, तो अगर आप लोग लाइव गुरुजी से बात करना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी। जी जी, नमस्कार जी। गुरुजी, बात करना चाहूंगी, जैसा कि नवरात्रों का अब खत्म का आगमन हो चुका है, तो आज के लिए क्या कुछ विशेष आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? आज तो संजय जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि अष्टमी पूजा हो चुका है जी। और आज महागौरी की पूजा हुई है, और महागौरी और सिद्धिदात्री अर्थात अष्टमी और नवमी दोनों का जो जंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं संधि पूजा। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग नवरात्रा पार तो कर लेते हैं लेकिन संधि पूजा नहीं कर पाते हैं। तो दर्शकों में बता दूं, संधि पूजा का भी एक अपना महत्व है। 2:15 दिन में अष्टमी नवमी का संधि हो रहा है, तो हम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो दर्शक पाठ पर बैठे हुए हैं या जो ऐसे भी माँ का ध्यान लगाए हुए हैं, तो वो आप 2:15 में संधि पूजा अवश्य कर लें। इसका भी अपना अलग, क्योंकि ये समय का अभाव होता है और हमारे कुछ दर्शक भी आ गए हैं, इसीलिए विशेष तो हम नहीं कर पाएंगे। इतना निवेदन करेंगे कि आप संधि पूजा जो नहीं करते हैं अवश्य कर लें, और जो करते हैं वो टाइम जो है 2:15 में आप संधि पूजा प्रणाम करेंगे और संधि पूजा समापन करके, और कल फिर सुबह में आप 13 अध्याय पाठ करेंगे। कल नवमी तिथि है, फिर हवन होगी, हवन के बाद कन्या भोजन होगा, फिर आप अपने स्वयं भोजन करके और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो बिल्कुल गुरुजी, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी जी, बताइए अपनी जन्म तिथि। 1/12/1972। समय? रात को 9:30। जन्म स्थान? नई दिल्ली। विवेक जी, कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी, ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें राशि आपके तुला राशि हो रखे हैं। आपने कुछ निवारण भी करवाया है अपनी कुंडली से? जब आपकी कुंडली बनी, आपकी जब कुंडली बनी तो आपने कुछ निवारण करवाया है इसकी? नहीं, बस थोड़ा वो दान वान करते रहते। कुछ नहीं होगा दान ना, दान करने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपके पास कुंडली है ही नहीं। कुंडली नहीं का मैंने क्यों बोला कि मैं देखता हूँ कि 24 कुंडली किसी के पास रहता ही नहीं है, और यदि 2-3 कुंडली में रहता तो कुंडली की प्रॉब्लम को नहीं निकाला जाता है। जैसे मैं बता दूं, आपके कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में जो भाग्य का मालिक होता है वो बृहस्पति हो जाते, नवम घर का मालिक, और बृहस्पति जो है आपके राहु के साथ अर्थात गुरु राहु का चंडाल जो बना है छठे घर में। छठा घर क्या होता? रोग, ऋण और शत्रु का। तो सबसे पहले क्या करेगा, लक की नोट फेवर अकॉर्डिंग टू लेवल। बहुत लोग 1 घंटा मेहनत करके 4 घंटा का लाभ ले लेते, और कुछ लोग 16 घंटा मेहनत करके 1 घंटा का भी लाभ नहीं ले पाते। तो आपकी कुंडली में आप मेहनत तो करेंगे, आपको लक फेवर नहीं करेगा, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल जो बना हुआ है
धन संपत्ति का क्षति होना, और छठा घर क्या होता, रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति डिजीज वाइज परेशान रहते हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे ऐसी कुंडली कह रहा है कि आप वाइन नहीं लेते हैं, यदि थोड़ा लेते होंगे तो बिल्कुल उसको भूल जाएं। आप ओके जनली अर्थात कोई पार्टी में भी आप वाइन कभी यूज नहीं करेंगे, आपका लीवर डैमेज कर देगा। छठे घर में गुरु राहु का जो इंडिकेशन है वो स्पष्ट इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति यदि वाइन लिया तो सीधे लीवर को खराब कर देगा। ऐसे भी दर्शकों वाइन तो वास्तव में लेना नहीं चाहिए, जो चीज हमें शरीर को नुकसान कर रहा क्यों लेने का। दूसरी बात, हम चले आते हैं आपकी नमाज कुंडली में, नमाज कुंडली तुला लग्न की बन रही है, राशि तुला है और सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग। तो यदि आपका टाइम सही है तो इसके अनुसार आपकी कुंडली में ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। कर्क लग्न की कुंडली है, दशम घर का मालिक मंगल हो जा रहा है, मंगल से दशमांश कुंडली में बना हुआ चंडाल योग। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कुंडली में जो एक लाइफ का जो गेन होना चाहिए आपको गेन होने नहीं देगा, अर्थात आप जॉब में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, संतान पक्ष से, हर चीज से आप किसी न किसी कारण से परेशान रहेंगे। ऐसे व्यक्ति भविष्य में लोन लेके भी फंस सकते हैं, लोन ले लेंगे आप बुरी तरह से उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। दूसरी बात, इस कुंडली की जो गणना है इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आप आज से नहीं लगभग 8-9 वर्षों से परेशान हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में शनि मार्केस हो जाता और शनि की दशा जो है आपको जनवरी 10 से ही चल रहा है, ये 19 वर्षों का होता है, तो शनि की मां दशा कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके पूरी कुंडली 24 कुंडली बनवाएं और जो समस्या है समाधान करवाएं। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे आपके लाइफ को बिल्कुल स्ट्रगल करते रहेगा, पैसा फंसना, पैसे का जोग नहीं होने देगा, कुछ भी काम करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, वे वजह अज्ञात शत्रु बन सकते हैं आपके साथ, हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है, सारी समस्या आपको घेर रखा है इसने। जी सहमत है आप गुरु जी की बात से? हाँ जी। चलिए सहमत है तो आपको करना क्या है, जल्द से जल्द आपको उपाय करने हैं और एक सफल ज्योतिषी का परामर्श लेके बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार दिखाई जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, मलकीत जी सोलन से, स्वागत है आपका, जय माता दी। जय माता दी मैम। जी बताइए अपनी जन्म तिथि। 17 अगस्त 1996। समय? समय 12:55 PM दोपहर के। जन्म स्थान? चंडीगढ़ जी। क्या नाम है उनके? मलकीत। मलकीत जी कुंडली है आपकी? हाँ जी है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपके कन्या राशि है, अभी पास में है कुंडली आपका? है, पास है सर जी। आप देखेंगे एकादश घर में अर्थात जहां पर 6 नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में, राशि आपका कन्या राशि हो रहा है, वहां पे चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है। एकादश घर क्या होता है? इनकम का होता है। हम वहां से फॉलोइंग देखते हैं हमारे जीवन में कितने पैसे की इनकम होगी, और व्यक्ति जॉब करे या बिजनेस करे, मोटिव क्या होता है? इनकम, कितना पैकेज है, हम बिजनेस में क्या कमा रखे हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्र राहु का जो ग्रहण योग बना है वो इनकम के घर में, और वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में भाग्य का मालिक चंद्रमा हो जाता, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? राहु के साथ, तो आपके भाग्य पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे बच्चों में लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। दूसरी बात, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक लग्न कुंडली का मतलब होता है 8 नंबर से बनना, तो 8 नंबर को आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे एक एक अंक गिरते जाएगा। 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 7, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 6, 8 × 32 = 3, 2 = 5, 8 × 5 = 40, 4, अर्थात 8 तक स्टेज तक जाइए तो एक एक ड्रॉप करते जाएगा। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों का जैसे जैसे एज आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे परेशानी भी बढ़ती जाती है, लाइफ डिक्रीज करते चला जाएगा। जबकि आपके धन स्थान में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वह गुरु का मूल त्रिकोण राशि में रहना, तो कोई भी ग्रह अपने घर में कभी खराब नहीं करते हैं। तो गुरु मूल त्रिकोण राशि घर में है, लेकिन गुरु भी आपके रेट्रोग्रेड वक्री हो गए, पैरालाइज हो गए, तो वहां भी आपको समस्या देगा। तो इस कुंडली को हम देखते हैं तो आपकी पूरी लाइफ को स्ट्रगल बता रखा है, जबकि कुंडली में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आ रही है। वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है कि दशम घर में सूर्य अपने ही घर में बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चे को UPSC करके सीधे IAS होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कभी UPSC की टेंडेंसी आई है या नहीं,
हालांकि ग्रहण योग बना हुआ है, ग्रहण मैंने पहले ही कह दिया, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे कन्फ्यूज भी करते हैं। फिर भी 99% गवर्नमेंट जब का जो बना हुआ है, तो आप हमको ये पहले बताएं कि आपके दिमाग में कभी यूपीएससी की बातें आती है या नहीं? पर दिया था 2018 में जी, मैं यूपीएससी का पेपर 2018 में दिया था सर। सर मैं कैसे जान गया? आपसे मेरा कोई परिचय है पहले से क्या? नहीं सर। नहीं है आपसे मेरी बात भी नहीं हुई कभी? नहीं सर। इसी को कहते हैं हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ लक। और दर्शकों मैं अभी पाठ पर बैठा हूँ, मैं तो ऐसे हमेशा भी कहता हूँ, ये बिल्कुल विश्वास रखिए मेरी बातों को, मैं कभी भी आज तक अपने प्रोग्राम में कभी भी फेक कॉल नहीं लिया है, जिसे कहते कि फॉल्स कॉल लगवा करके अपने आदमी से हम यहाँ कवा रहे हैं, भैंस था जी सर, भैंस मर गया जी सर, मैं ऐसा काम नहीं करता। हमारे यहाँ बिल्कुल फेयर प्रोग्राम होता है, और मैं बार बार आपको कहने का प्रयास करता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि आपके प्रॉब्लम को खुद बता देता है, आपको रीडिंग कर लेता है, तो आपको निकाल भी देगा। तो आपका यूपीएससी आपका इंतजार कर रहा है, आवश्यकता है आपको एक अच्छी ज्योतिष से मिलने का, मिल करके पूरी 24 कुंडली बना करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको उपाय करें। हमारे पास ओडी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में प्लग शॉर्ट है, टायर में हवा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, वायर लीक कर रहा है, गाड़ी चले तो कैसे चले, ओडी होने से क्या होगा? तो आपके जॉब इंतजार कर रहा है यूपीएससी का, बस आपको मिलना है इसकी 24 कुंडली बना करके, आप उपाय करें, माँ रानी का आशीर्वाद रहेगा, 2020 में आप डन निकल जाएंगे। जी सहमत है आप गुरुजी की बात से? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। चलिए अगर आप सहमत हैं तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, लेकिन तब जब आप उपाय करा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है अशोक जी दिल्ली से, स्वागत है अशोक जी आपका। गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी, बताइए अपनी जन्म। 8 मई जी 1960 समय रात्रि 1 बजे जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान अमृतसर पंजाब जी। ये 7 की रात है कि 8 की रात है? ये 7 की रात है गुरु जी। क्या नाम है इनके? अशोक। अशोक जी कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। मकर लगन की कुंडली है, राशि कन्या, आपकी कुंडली अभी पास में है? हाँ जी है, मकर ही है जी। हाँ आपका पास में कुंडली है अभी? हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रमा के आगे पीछे खाली है? हाँ जी, पूरी लाइफ खाली गोल, सीधी सी बात। और आपको किसी ने ना तो ग्रहण योग बताया होगा, ना किसी ने केमद्रुम योग बताया होगा। कुंडली बनने से नहीं होता है, डॉक्टर से दिखाने से नहीं होता है, डॉक्टर कैसे हैं, डायग्नोसिस कैसी है, हमारी बीमारी कैसे पकड़ रहे हैं, तब दवा लिखाएगा काम करेगा। कुंडली बनाने वाले लाखों लोग बैठे हैं ज्योतिष। मैं ये नहीं कहता दर्शकों कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन मुझे अपना इतना विश्वास है कि मैं जितना जानता हूँ वो कोशिश करता मैं परफेक्ट करूँ। और आपको यही कारण से बार बार प्रयास करता हूँ कि किसी भी ज्योतिष से कभी भी मिलना पड़े, बात करना पड़े, कभी प्रॉब्लम आप मत बताइए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे पास जो व्यक्ति दिखाने के लिए आते हैं ना, तो कोई 20 ज्योतिष से, कोई 25 ज्योतिष से, कोई 15 ज्योतिष से मिल करके आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं तो भिकमंगा बन गया, मेरे पास तो पैसे नहीं था, सब मैं लुटा गया। अब खुद लुटा रहे हो तो कोई क्या कर सकता है, आप इसको फॉलो तो कीजिए ना, प्रॉब्लम बताइए ही नहीं, आप जाइए कि ज्योतिष पास, यदि आपकी प्रॉब्लम को रीड कर लेगा ठीक कर देगा, सीधे ये बात। तो आपकी कुंडली जो है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप कुछ भी कर लेंगे लक फेवर नहीं करेगा, चूँकि 9th हाउस में आपके बन रखे हैं ग्रहण योग, और 9th हाउस से बना हुआ है आपका केमद्रुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खाली कर देता है। सब कुछ रहते हुए आपको सुख नहीं होने देगा अशोक जी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है अब देखिए दर्शकों, कितनी संयोग अच्छी संयोग है इनकी। मकर लग्न की कुंडली में सभी जानते हैं कि लग्न का मालिक शनि होता है, और इनकी कुंडली में 2012 से शनि दशा स्टार्ट हो गया, अर्थात ये कुंडली कहता है कि 2012 से आपका जिंदगी का सुपर टाइम शुरू हो चुका है। तो आप अपने जीवन का 7 साल आपने खो दिया, निश्चित रूप से आप परेशान हैं, तभी तो हमको फोन किया। कुछ ज्योतिषी कहेंगे आपको पैसा कमाते हो रुकता नहीं है, परेशानी है, भला कर देते हो लाभ नहीं मिलता है, ये सब कॉमन फैक्टर है, दैट इज द नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। तो जब तक आपकी समस्या नहीं, आपने कॉल क्यों किया? और आपके अच्छा दशा जाने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा हमको कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य 7 वर्ष खो दिया। अभी भी समय रहते एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, पूरी 24 कुंडली बनवाएं, इसके उपाय करें और इसका आप लाभ लें। अभी आपको
12 साल और बचा हुआ है लाभ लेने का, उपाय करेंगे आपको हर चीज अच्छा होते चला जाएगा। जी सहमत हैं आप गुरु जी की बात से। चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि समय जो बीत गया है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आने वाले समय को आप बेहतर अवश्य बना सकते हैं एक सफल ज्योतिषी का परामर्श लेके। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अशोक जी बदायूं से, स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी। जी बताइए। गुरु जी 19 मई 1985 समय 3:25 PM दोपहर 3:25 PM जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश। बदायूं जी। जी बदायूं। कुंडली बनी है अशोक जी आपकी? हाँ जन्म पत्री है गुरु जी। कन्या लगन की कुंडली है आपकी, मेष राशि है। जी जी बहुत बढ़िया कुंडली है। इस कुंडली में इतना अच्छा कुंडली कि मैं कह नहीं सकता। सबसे पहले भाग्य का मालिक, कन्या लग्न में भाग्य का मालिक जो है वो शुक्र हो जाता और धन का मालिक भी शुक्र होता। शुक्र आपके सप्तम घर में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। जब मीन राशि में शुक्र होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और कोई ग्रह जब उच्च के हो जाते हैं तो बहुत सुंदर जोग बना देता है। अर्थात कुंडली कह रहा है कि ऐसे बच्चे 1 घंटा मेहनत करके 23 घंटा का लाभ आप ले लेंगे, लेकिन थोड़ी समस्या भी है। दाग तो चंद्रमा भी हो गया, चंद्रमा में भी दाग है। अर्थात कहने का मतलब पूरे हमारे भारतवर्ष में, मैं वर्ल्ड की बात तो नहीं कर सकता, भारत की बात अवश्य कर सकता कि पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनका कि थोरो चेकअप करा दिया जाए तो कोई ना कोई समस्या नहीं निकलेगा, खास के आज के परिवेश में। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली बन जाए तो शायद ही कोई ऐसी कुंडली निकलती है जिसमें कि 1-2 समस्या नहीं निकलती हो। तो आपकी जो कुंडली है बहुत टॉप का, इतना अच्छा कुंडली है कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन पंचम घर में गुरु आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। और दूसरी बात, जब नवास कुंडली देखते हैं तो नवास कुंडली में पाप कर्तृ योग बना है, मंगल शनि सप्तम घर में बैठा हुआ है जो ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता, विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दशमांश और चतुर्विशांश की ओर। दशमांश में केंद्रम योग और चतुर्विशांश से बना हुआ है 20 दोष, कॉम्पिटिशन में फेल्योर। आप कॉम्पिटिशन मारेंगे कोई ना कोई समस्याएँ लग जाएगी यदि टाइम सही है तो। उसी तरह से कैरियर में प्रॉब्लम देगा, जो कुंडली कह रहा है यू आर वेरी लक्की, दूसरी ओर कह रहा है आप मेहनत करते हैं तो हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। अर्थात लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग टू लेबर। बात वही हो गई ना कि मेरे पास मकान तो है, फ्यूज उड़ गया, लाइट सारा गोल, मकान का वैल्यू खत्म हो जाता है उस टाइम में। गाड़ी तो है, प्लग शॉर्ट, काम का नहीं रहा। तो आप क्या करें, एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी कुंडली बनवाएं। बहुत अच्छी कुंडली है, 99% ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, लेकिन पंचम घर में गुरु नीच का होने के कारण से आपको उच्च शिक्षा में परेशानी और भविष्य में संतान में भी परेशानी देगा। बाद बाकी जब पूरी जब 24 कुंडली बनती है तब एक एक चीज़ का आपको डीपली मालूम होगा कब क्या होना चाहिए और क्या होगा। जी सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? जी गुरु जी सहमत हूँ आपकी बात से। चलिए तो उपाय कर लीजिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं कमल जी चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका, जय माता दी। हेलो। चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। दर्शकों आप सभी से कहना चाहूंगी जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है आप लोग अगली सुबह 9 से 10 के बीच गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी समय तो यहाँ पे बहुत कम बचा है लेकिन कुछ विशेष आज के लिए जानना चाहूंगी। बस शैलजा जी मैं दर्शकों से फिर वही कहूँगा कि हम बच्चों से खास कहना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा का दिन है, अपने थोड़ा सा अध्यात्म से धर्म से जुड़े। ऐसा नहीं कि जो पाठ करते हैं उन्हीं को माता का आशीर्वाद मिलता है, पूजा तो भावना से भाव से होती है। हम जाते हैं मंदिर में जिसका जो भगवान ने प्रॉपर्टी दिया है, कोई सोना का मुकुट चढ़ा देते हैं तो कोई कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं, भगवान कभी नहीं कहते हैं हमें सोना का मुकुट दो। भगवान तो भाव का भूखा होते हैं, हम दिल से प्रेम से जहाँ याद करेंगे वहाँ भगवान है। और सबसे बड़ा जैसे को मैंने एक दिन कहा था कि मुझे किसी ने कमेंट कर दिया कि भगवान तो हो आप, भगवान हो बदल किस्मत बदल देते हो, तो मैं दर्शकों में फिर से कह दूं ना मैं भगवान हूं ना मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। और आपसे भी मैं कहूंगा कि आप भी एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो, बस यही भगवान का मुख्य रूप है और सबसे बड़ा आपके धर्म है। आप अच्छे इंसान बनेंगे, आपके संस्कार डेवलप होंगे और इससे भी आपका जीवन में बहुत सारा अच्छाइयाँ होना शुरू हो जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामना है। ईश्वर करे कभी भी कोई दुख आपके छू नहीं पाए।
तो बिल्कुल दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी, आपने अपने कीमती समय में दिया। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों। जय माता दी दर्शकों। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।